ब्रेकिंग न्यूज इस समय की बता दें अपने दर्शकों को कि यूपी के बांदा में नदी में बस गिर गई है, केन नदी में ये रोडवेज की बस गिरी है, एक की मौत कई घायल। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं आपको, केन नदी में फॉग के चलते ये रोडवेज की बस गिर गई है, बस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं वहां से, ये फॉग के चलते ये हादसा हुआ है, आप देख सकते हैं लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। और ऐसा देखने में आता है कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो आसपास के इलाके के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं और मदद करते हैं। आप देख सकते हैं बस की ये हालत, भीड़ जुटी हुई है, इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और कई व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। यूपी के बांदा में नदी में, केन नदी में ये बस गिरी है, बस की हालत देख सकते हैं, बहुत ही जर्जर हालत की ये बस भी दिख रही है। और गिरने के बाद तो आप देख रहे हैं कि इसके सभी असर जो वह हिल गए हैं और भीड़ वहां पर जुटी हुई है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि कुछ लोग अभी नदी में हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर हुसैन जुड़ रहे हैं। आमिर, ताजा अपडेट बताइए, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है या लोगों को बचा लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है? सुबह बता दूं मैं आपको कि सवेरे का मामला है, सवेरे लगभग 8 बजे जसपुरा से जो रोडवेज बस बांदा के लिए आती है और कोहरा अधिक होने का जो है बस जो है रोडवेज पुल से लगभग 100 मीटर नीचे नदी गिर गई, लेकिन गनीमत थी नदी में पानी बहुत नहीं था और बस में कुल 5 लोग सवार थे जैसे बताया जा रहा है द्वारा, और एसपी माना 5 लोग सवार थे जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बस निकाली जा रही है, लेकिन लोगों को घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। तो मतलब बड़ी बात यह है कि जिस समय जो घटना हुई है उस समय पैरानी क्षेत्र जो है वो पूरी तरह बंद थी, जो एकदम बगल में था मामला जो बगल में थी, और सभी घायलों को आगे बढ़ करके जिसमें सिस्टम भर्ती कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमिर इस पूरी जानकारी के लिए।